हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। एंड टुडे टॉपिक इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस पे बेसिक फंक्शंस और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन थे, इन सब का मीनिंग एक ही है। जैसे लाप्लास ऑफ वन हमने डिस्कशन किया था आपसे, लाप्लास ऑफ टी किया था, लाप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी किया था, लाप्लास ऑफ टी टू पावर ऑफ एन। ये जितने भी हमने स्टैंडर्ड फंक्शन या कहें हम इनको बेसिक फंक्शन या कहें हम इनको एलिमेंट्री फंक्शन, ये जनरली हमारे आगे जा कर के हर जगह यूज होने वाले हैं। तो हम इसको अच्छी तरह समझ लें ताकि हमें बार बार प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े। अगर हम अभी से स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास होंगे, हम समझ लेंगे इनको अच्छी तरह से, तो आई थिंक मेरा इतना दावा है कि आप जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे आप वहाँ उनको आसानी से कर सकेंगे। सो इसी के बिहाव में हम आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। ओके, तो जैसा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लाप्लास ऑफ वन, वन बाई एस, यस हमने पहले ही आपसे सारे प्रूफ कराए हैं। आप चाहें तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर भी करें। लाप्लास ऑफ ई टू पावर ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर, लाप्लास ऑफ टी टू पावर ऑफ एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर ऑफ एन व्हेन एन इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड एस इज द ग्रेटर देन जीरो। ओके, एंड वी हैव फ्रॉम द गामा properties of gamma function, gamma n plus 1 is equal to factorial n, already आपने पढ़ा है। तो we replace gamma factorial n is equal to gamma n plus 1 for n is the greater than minus 1। अगर n fractional है, जैसे laplace of t square है तो हम ये use करेंगे, laplace of t to power of 1 by 2 है तो हम ये use करेंगे। तो ये जो चार formulae हैं आप आसानी से कहीं भी use कर सकते हो बिना प्रॉब्लम के। इनसे अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं हम आज, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी, कि कैसे हम लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम इसका लाप्लास कैसे निकाले हैं। लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होना है ना, ये होता है। तो इसका प्रूफ हम बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to power of minus st into ft। अब आप ये सिंपल देखिए कि यहाँ पर हम अगर कंपैरिजन करें तो ये ft है और ये भी ft है, ft की वैल्यू कितनी होगी sin of a t। सो वी कैन राइट हियर ft is equal to sin of a t, क्लियर। अब हम कुछ भी नहीं कर रहे ज्यादा, है ना, क्योंकि हमें सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन एटी का, तो हम एफ टी के रिप्लेस पर हम साइन एटी पुट कर देंगे, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ साइन एटी, क्लियर। स्टेप आराम समझिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ना मेल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है आप मोबाइल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं ले लीजिए आप लोग, है ना। तो लाप्लास ऑफ साइन एटी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर ऑफ माइनस एस टी into ft replace sin of at into dt। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, है ना, लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों से बोलें, इससे और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। सो एक फॉर्मूला आपने शायद 12th में पढ़ा होगा, क्या e to power of at into sin bt dt या टी के रिप्लेस पर एक्स पड़ा होगा, है ना, तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो। इज इक्वल टू, ये काफी इजी फॉर्मूला था, हम डायरेक्ट वाई पार्ट इंटीग्रल नहीं करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी टी माइनस बी साइन सॉरी बी कॉस बी टी, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला ऐसा है कि भाई रटने में दिक्कत भी हो सकती है ना किसी को, तो इसकी ट्रिक है, हम उस ट्रिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं हल्का सा, क्योंकि ट्रिक ट्रिक होती है। e टू पावर ऑफ ए टी इंटू साइन बी टी,
e to power of 80 upon a square plus b square तो होना ही है, है ना। अब ये जो है ना इसको ध्यान रखना है, अगर साइन है तो a साइन से स्टार्ट होगा, है ना। और साइन का इंटीग्रल कितना होता है, क्योंकि हम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, साइन का इंटीग्रल कॉस होगा, है ना, वो भी विद माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ए साइन बी टी माइनस बी कॉस। अच्छा ऐसे ही हम ना इसका भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं इसी ट्रिक से, ए साइन ए टी इंटू कॉस बी टी का कैसे होगा फॉर्मूला, अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये, ई टू पावर ऑफ ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए कॉस से स्टार्ट है तो ए कॉस तो आना है, फिक्स है, साइन था तो साइन से स्टार्ट करना था, कॉस है तो कॉस से स्टार्ट हुआ, तो दोनों सेम है, कॉस का इंटीग्रल प्लस कॉस प्लस साइन होता है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस साइन बी टी, ऐसे साइन है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, इसलिए माइनस बी कॉस बी टी आएगा, साइन साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन, इसलिए यहाँ प्लस बी। तो ये फॉर्मूले ट्रिक है कि आप आसानी से इनको रिमेम्बर कर सकते हो, ताकि हम बार बार ना याद ना कर सकें तो हम ट्रिक से भी लिख सकते हैं, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ई टू पावर ऑफ माइनस ई टू पावर ऑफ ए टी इंटू साइन बी टी डी टी। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्लियर। तो हियर की अब ए की वैल्यू देखो क्या है, ए हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू माइनस एस है, और जो बी है वो ए है ना, बी की वैल्यू कंपेयर किया बस हमने फॉर्मूले से। सो ई की पावर ऑफ माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये इंटू ए द माइनस एस इंटू साइन बी टी मीन्स ए टी माइनस बी मीन्स ए कॉस ऑफ ए टी, है ना, ए टी ये। अब आपको फॉर्मूला में आपको लिमिट लगाना है, बस इतना छोटा सा काम और आपको करना है। सो यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं कि दिस फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, e टू पावर ऑफ, अब जो इसमें कांस्टेंट टर्म है जिसमें ना लिमिट नहीं लगेगी, देखो s में नहीं लगने वाली ना a में लगने वाली, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको अपन ना बाहर कर दें, इससे अपन को लेना देना नहीं है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमने इसको बाहर कर दिया। अब जो जिसमें लिमिट लगनी है उनको हम एक तरफ कलेक्ट कर लें, इनटू माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस है ना s साइन ए टी प्लस ए कॉस ए टी, और ये लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, बस क्लियर। अब इसमें हम अपर माइनस लोअर लिमिट लगा दें, इतना सारा छोटा सा काम था, ज्यादा टिपिकल काम नहीं, पहले तो हमें फॉर्मूला याद रखना है ई टू पावर ऑफ ए टी इंटू साइन बी टी का। तो ये हमने आपको ट्रिक करा दी, साइन है तो साइन से स्टार्ट होगा, कॉस है तो कॉस से स्टार्ट होगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ कॉस है तो कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन होता है तो यहाँ प्लस आएगा, क्लियर, ये ट्रिक है। सो नाउ लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस साइन ए टी माइनस सॉरी प्लस ए कॉस ए टी, ठीक है। ये रिपीट किया हमने पिछला स्टेप, ताकि आप आराम से ना लिमिट लगा सकें, ई टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू एस साइन ए टी प्लस ए साइन सॉरी ए कॉस ए टी, दिस इज द ए कॉस ए टी, क्लियर, जीरो टू अपर माइनस लोअर। सो माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी, हमने आपको पहले डिस्कशन किया था हमने आपसे कि ई टू पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज जीरो, सो जीरो इंटू समथिंग जीरो माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस जीरो वन, ई टू पावर ऑफ माइनस जीरो वन एंड जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस a into cos 0 1 तो 0 plus a तो upper minus lower here, so this is minus 1 upon s square plus a square into minus a, so simplify a upon s square plus a square, so Laplace of sine of a t
is equal to a upon s square plus a square. This is the value of sine of at. ऐसे ही सेम प्रोसेस, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमने सारी चीजें वही पहले क्लियर कर रखी हैं आपसे, तो आपको ना cos of at में निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और मैं भी आपके साथ भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ at. सो इजीली हम आगे के जो फॉर्मूले हैं इसी की हेल्प से हम करेंगे. तो नाउ नेक्स्ट इज द सिक्स, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ at. सेम है इसलिए आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. कॉस ऑफ at इज इक्वल टू, फॉर्मूले में डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर स्मॉल s आएगा, बस सेम सारी चीजें सेम रहने वाली है. s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसका भी प्रूफ सिंपल, जैसे आपने साइन एटी का किया सेम प्रोसेस. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी 0 to infinity e टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी. अब धीरे धीरे आप मेरे साथ करते जाएंगे तो ना आपको भी ना सारी चीजें रट जाएंगी एक एक स्टेप. अब हम एफ टी की वैल्यू पुट कर दें. एफ टी की वैल्यू कितनी है? कॉस ऑफ at बस. सो हियर एफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ at. तो हियर राइट डाउन एफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ at. अगर आपको बिल्कुल ध्यान रखें, आप बिल्कुल आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि सर का वास्तव में वीडियो अच्छा है तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें, है ना. और आप और इससे अधिक अच्छे जा रहे हैं तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि आपके सामने लेके आऊं, है ना. इतनी गारंटी कि इससे बेस्ट से बेस्ट ही मैं देने वाला हूं, है ना. सो हियर एफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ at. सो पुट लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ at 0 to infinity e टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू कॉस at इंटू डी टी. अभी जस्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि e की पावर ऑफ at इंटू कॉस bt इंटू dt का फॉर्मूला. कॉस है तो कॉस से स्टार्ट होगा. ये सारे फॉर्मूले ना हमने ट्वेल्थ में पढ़े हैं, सभी लोगों ने पढ़े हैं आई थिंक, तो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी. सो a कॉस है तो कॉस से स्टार्ट होगा, कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन होता है तो प्लस b साइन bt. क्लियर? b साइन bt ऐसे. सो नाउ 0 to infinity e टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू कॉस at इंटू dt का इंटीग्रल e टू पावर ऑफ माइनस एस टी, a के कंपैरिजन करें तो माइनस s है वैल्यू, और यहां पर b की कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू a है. तो e टू पावर ऑफ माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियर? एंड माइनस s, देखो a के रिप्लेस पर माइनस s, इंटू कॉस at प्लस b के रिप्लेस पर a इंटू साइन at, और ये लिमिट 0 to infinity. कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ. कहीं प्रॉब्लम हो आप सीधे फोन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं. सो हियर पुट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ e टू पावर ऑफ at इंटू कॉस bt इंटू dt, है ना. e टू पावर ऑफ at अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos at प्लस b sin bt. क्लियर? सो नेक्स्ट इज लिमिट अपर माइनस लोअर. सो हियर इसमें एक चीज और ध्यान दें, इसमें जो पार्ट है जो जिसमें हम लिमिट नहीं लगा सकते हम उनको ना बाहर भी लिख सकते हैं, ताकि उसमें हमें कोई लिमिट तो लगानी नहीं है, तो उस पार्ट को हम बाहर कर सकते हैं. तो जो पार्ट होगा हमारा 1 upon s square plus a square. सो e टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू वैल्यू देखो क्या क्या है भीतर, माइनस एस कॉस at माइनस एस कॉस ऑफ at प्लस ए साइन at एंड लिमिट
0 to infinity. Then again, e to power of minus infinity is equal to 0 and e to power of minus 0 is equal to 1. So here 1 upon s square plus a square and e to power of minus infinity is 0. So 0 into something 0 minus lower limit e to power of minus 0 1 and s into cos 0. Cos 0 is the 1 and minus s plus sin 0 0 here. तो फाइनली जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची वो क्या होगी माइनस वन और माइनस प्लस दैट इज द एस स्मॉल एंड फाइनली लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ एटी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिस इज द वैल्यू फॉर लाप्लास ऑफ cos of a t. तो जहां पर भी आपको जरूरत पड़े कि यहाँ पर हमें लाप्लास cos of a t की वैल्यू पुट करनी है तो आप इजीली कर सकते हो ये डायरेक्टली. तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. देखिए साइन का जो फॉर्मूला यूज करोगे ना तो उसमें जो कॉन्स्टेंट a वो आएगा और जो यहाँ पर हम यूज करेंगे उसमें हम स्मॉल s की वैल्यू आए तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहता है याद करने के लिए. तो आप ये याद रखें कि जब साइन का हम लाप्लास पूछेंगे या फॉर्मूले में यूज होगा तो हम उनके रिप्लेस पर हम आसानी से साइन में कांस्टेंट आएगा ए की वैल्यू और जो कॉस है उसका इंटीग्रल अगर पूछा जाता है मान लो तो उसमें स्मॉल एस की वैल्यू. अच्छा एक चीज और ट्रिक आपको मैं बताऊं दोनों के फॉर्मूले में जो कि हम आगे की वीडियो में लाएंगे है ना तो उसमें दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस आएगा. कैसे जैसे लाप्लास ऑफ हमने आपसे पूछा हाइपरबोलिक की बात कर रहे हैं हम लोग तो फॉर्मूले सब वही रहेंगे. ये ट्रिक है ये याद करने की ट्रिक है ना क्या कि साइन हाइपरबोलिक में ए आएगा और जो अपॉन में है वहां पर रिप्लेस में प्लस के रिप्लेस में माइनस आएगा. ऐसे ही हम जो फॉर्मूला हमारा कॉस हाइपरबोलिक ए टी का होगा उसमें भी ए एस है तो एस आएगा और जो यहाँ प्लस है इसके रिप्लेस पे भी ये. तो ये जो दो फॉर्मूले और हैं वो हम आपको बता देंगे है ना. तो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगे ये वीडियो तो आप ना शेयर करें और हम इससे और बेटर की बात करेंगे क्योंकि कभी भी है ना अपने आप को डाउन नहीं करना है जीवन में आगे बढ़ना है और अच्छे से अच्छा करें आप. ऐसी मैं भी आशा करता हूँ आपसे और अपना ध्यान रखें. सो थैंक यू सो मच.